दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करने वाला हूँ टॉप 5 ब्रांड के इंसुलेटेड कॉफी मग का। जिस तरीके से इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स आती हैं जो कि पानी के टेम्परेचर को हॉट या कोल्ड को 24 आवर तक मेंटेन रखते हैं, उसी तरीके से ये जो कॉफी मग आते हैं इनका साइज काफी छोटा होता है और इसमें अगर आप कॉफी या टी को रखते हैं तो इसके टेम्परेचर को 8 आवर तक मेंटेन रखती है। इनका साइज इतना छोटा होता है कि आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ऑफिस में ले जा सकते हैं, ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हैं, कॉलेज में यूज कर सकते हैं। इसमें आप जो गर्म चाय या गर्म कॉफी या कोल्ड कॉफी को स्टोर कर सकते हो, किसी भी शॉप के आसपास जाके वहां से आप इसको फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये मग आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है मेरे हाथ में टॉप 5 ब्रांड के इंसुलेटेड कॉफी मग। पहला ब्रांड है बोरोसिल का, दूसरा है मिल्टन का, तीसरा है सेलो का, चौथा है साइनोर वेयर का, पांचवा ब्रांड है इंस्टाकप्पा का। तो ये जो पांचों ब्रांड है इनके साथ मैं करूंगा बहुत सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट। उससे पहले करूंगा इनकी अनबॉक्सिंग। जो हमारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं उसमें पहला जो टेस्ट होगा इन पांचों में से सबसे ज्यादा टेम्परेचर को कौन सा मेंटेन करके रख सकता है, और जो हमारा लास्ट टेस्ट होगा उसमें मैं करूंगा ड्रॉप टेस्ट। इसको कुछ हाइट से नीचे गिराऊंगा, देखता हूँ सबसे ज्यादा डैमेज किसमें होता है। तो वीडियो के लास्ट में इनकी रैंकिंग करूंगा कि टॉप फर्स्ट पे कौन सा आता है, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ पर कौन आता है। जब तक मैं इनकी अनबॉक्सिंग करता हूं तब तक आपको करना क्या, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और कमेंट जरूर कर देना। अगर आप में से कोई भी इन इंसुलेटेड मग का प्राइस चेक करना चाहता है या इनको खरीदना चाहता है तो डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आके आप बिल्कुल ओरिजिनल और ब्रांडेड विद डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हो। आपको 1 ईयर कंप्लीट वारंटी मिलेगी बिल के साथ। जस्ट अभी मैंने गर्म कॉफी बनाई है जिसका टेम्परेचर है 95.6 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से इस गर्म कॉफी को हम सभी इंसुलेटेड मग में पूरा फिल कर लेते हैं। और लीड को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे जिससे इसमें कोई भी एयर पास ना हो पाए। और 5 घंटे के बाद इंसुलेटेड मग को ओपन करके इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। सबसे पहले इंस्टाकप्पा ब्रांड के इस इंसुलेटेड मग का टेम्परेचर टेस्ट करते हैं। इस मग ने 56.2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन किया है। अब चेक करते हैं सेलो ब्रांड के इस कॉफी मग का। सेलो के मग ने 60.9 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन किया है। अब जो थर्ड ब्रांड है वो है साइनोरा वेयर। इसके इंसुलेटेड मग ने टेम्परेचर को 61.7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन किया है। फोर्थ ब्रांड है बोरोसिल का इंसुलेटेड मग। इसने टेम्परेचर को 62.1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन किया है। फिफ्थ और लास्ट ब्रांड है मिल्टन का जिसने 65.2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन किया है, जो कि सबसे ज्यादा है इन सभी बॉटल्स में। स्टार्ट करते हैं इंस्टाकप्पा के मॉडल में। हमने कॉफी को पूरा फिल कर लिया है, अब इसका हम पहले करते हैं नॉर्मल ड्रॉप टेस्ट। जैसे ही ये नीचे गिरा इसमें माइनर लीकेज स्टार्ट हो गई है और बॉडी में कोई भी डैमेज या डेंट नहीं है। थोड़ी ज्यादा हाइट से नीचे ड्रॉप करने पर इंस्टाकप्पा में से लीकेज काफी ज्यादा हो रही है और इसकी बॉडी पर डेंट भी आ चुका है, तो यहां पर यह मॉडल फेल हो जाता है लीक। अब मिल्टन ब्रांड के इंसुलेटेड मग पर नॉर्मल ड्रॉप टेस्ट करते हैं। इसमें अभी भी कोई लीकेज या डैमेज या डेंट नहीं आया है। अब इसकी हाइट को इंक्रीज करते हैं और जैसे ही नीचे गिरा इसकी लीड टूट चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं इसके एक पीस का टुकड़ा मेरे हाथ में है और सारा कॉफी बाहर आने लगा, तो यहां पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ी सी कम है। तो नेक्स्ट ड्रॉप टेस्ट करते हैं साइनोरा वेयर के इंसुलेटेड मग पर। नॉर्मल ड्रॉप टेस्ट करने पर इसमें अभी भी कोई लीकेज या डैमेज नहीं हुआ है। अब थोड़ी ज्यादा हाइट से हम इसको नीचे ड्रॉप करते हैं। जैसे ही नीचे गिरा इसकी कैप या लीड बिल्कुल अलग हो चुकी है और इसकी लीड पर
क्रैकनेस के निशान आ चुके हैं और कॉफी भी हमारी बाहर आने लगी है, आप देख सकते हैं। इसमें सेलो ब्रांड के इंसुलेटेड मग पर नॉर्मल ड्रॉप टेस्ट करते हैं, यहां पर अभी भी कोई भी इसकी बॉडी पर डैमेज या डेंट नहीं आया है। जैसे ही हमने इसको थोड़ी ज्यादा हाइट से ड्रॉप किया, इसकी कैप इजीली ओपन हो गई है और इसकी बॉडी पर हल्का सा डेंट आ चुका है जो कि आप देख सकते हैं। बोरोसिल के इंसुलेटेड मग पर नॉर्मल ड्रॉप टेस्ट करने पर इसकी बॉडी पर कोई भी डेंट या लीकेज और ना कोई डैमेज है। और मैं अब इसको थोड़ी ज्यादा हाइट से नीचे ड्रॉप करूंगा। और मैंने कई बार इसको ड्रॉप किया और यहां पर देख सकते हैं इसकी बॉडी पर कहीं भी कोई डैमेज नहीं है ना कोई लीकेज है। तो यहां पर जितनी भी ये इंसुलेटेड मग थे उनमें बोरोसिल की जो बिल्ड क्वालिटी है सबसे अच्छी है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने सारे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, अब बारी आती है इनकी रैंकिंग की, नंबर वन पर कौन सा प्रोडक्ट आता है। तो अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के बेस पे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर को किसने मेंटेन किया, तो यहां पर नंबर वन पर आता है मिल्टन का और नंबर सेकंड पोजीशन पर आता है बोरोसिल का, नंबर थर्ड पर आता है साइनोवेयर का और नंबर फोर्थ पर आता है सेलो का और सबसे लास्ट में आता है इंस्टाकप्पा का। अगर ड्रॉप टेस्ट की बात की जाए तो कौन कौन से प्रोडक्ट डैमेज हुए, तो इसमें सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है ये हमारा मिल्टन का। देख सकते हैं इसका जो बैक साइड जहां पर स्प्रिंग लगी हुई थी जिससे ये इजिली ओपन हो जाता था, वहां से ये बिल्कुल क्रैक होके टूट चुका है, बिल्कुल अलग हो चुका है। और जो दूसरा प्रोडक्ट डैमेज हुआ है ये है साइनोरा वेयर का, इसके जो लीड पर देख सकते हैं क्रैकनेस के निशान आ चुके हैं और ये जो इंस्टाकप्पा का मॉडल है इसमें लीकेज स्टार्ट हो जाती है जैसे हमने इसे ड्रॉप किया था। और देख सकते हैं इसके बॉटम लेयर पर हल्का सा डेंट आया है, बाकी ये ओके है। और इसमें आपको थोड़ा ग्रिपिंग रबड़ देते हैं। ये जितने भी इंसुलेटेड मग हैं, अगर आप इनमें से कोई सा भी खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया है, वहां से आके बिल्कुल इनका प्राइस चेक कर सकते हो और बिल्कुल ओरिजिनल और ब्रांडेड खरीद सकते हो। इंस्टाकप्पा के इंसुलेटेड मग ने सबसे कम टेम्परेचर को मेंटेन किया है। इसके पीछे का मेन रीजन ये है जो इसका लॉक सिस्टम है, देख सकते हैं इसके लीड के ऊपर ये लॉक सिस्टम लगा है, ये एक नॉर्मल आप इसको अप और डाउन करके लॉक कर सकते हो जिसमें से लीकेज बहुत आसानी से हो जाती है। और इन चारों मॉडल में आपको मिलता है पुश बटन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पुश बटन दिया गया है आपको, इसको इजिली आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं ये ओपन हो जाता है। अगर इसकी लीड को अनलॉक करना चाहते हो तो आप इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कर दें और फिर उसके बाद इसको प्रेस कर दें, ये ओपन हो जाएगा। फिर इसको इस तरीके से प्रेस करके क्लोज करके स्लाइड कर दें नीचे की तरफ तो ये लॉक हो जाएगा, देख सकते हैं इजिली आप इसको कर सकते हो। अब मैं रैंकिंग करने वाला हूं इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, लीक टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट और जितने भी हमने इस पर टेस्ट किए थे उस बेस पर मैं इनकी रैंकिंग करने वाला हूं। तो नंबर वन पर आता है बोरोसिल का, तो बोरोसिल को मैं नंबर वन पर रख देता हूं, साइड में देख सकते हैं। और नंबर सेकंड पर आता है मिल्टन का और नंबर थर्ड पर आता है ये हमारा सेलो का और नंबर फोर्थ पर जाता है ये साइनोरा वेयर का और नंबर फिफ्थ पर आता है इंस्टाकप्पा का। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।